बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू और श्रीनगर हाईवे पर बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक धमाका हुआ है, संदिग्ध धमाका है। कार में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की खबर बताई जा रही है। बड़ी खबर आप बता रहे हैं, धमाके के वक्त सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था, धमाके से सीआरपीएफ की गाड़ी को नुकसान भी पहुंचा है। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर यह संदिग्ध धमाका हुआ है, जांच चल रही है। बताया जा रहा है कार में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से यह हादसा हुआ है, यह धमाका हुआ है। धमाके के वक्त सीआरपीएफ का काफिला वहां से गुजर रहा था, धमाके से सीआरपीएफ की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं शंका जाहिर की जा रही है, और यह कहा भी जा रहा है, क्योंकि अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से यह धमाका हुआ है, जिससे सीआरपीएफ का काफिला वहां से गुजर रहा था, धमाके में सीआरपीएफ की गाड़ी को नुकसान भी हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से जम्मू श्रीनगर हाईवे में यह धमाका हुआ है। धमाके के वक्त सीआरपीएफ का वहां से काफिला गुजर रहा था, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। फिलहाल यह कहा जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से यह धमाका हुआ है, कार में गैस सिलेंडर फटने की वजह से धमाका हुआ है। धमाके के वक्त सीआरपीएफ का काफिला वहां से गुजर रहा था, धमाके से सीआरपीएफ की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है, कार में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से यह धमाका हुआ है। धमाके से सीआरपीएफ की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है, श्रीनगर जम्मू हाईवे पर यह संदिग्ध धमाका हुआ है। जो खबरें अभी सामने आ रही है, वो कहा जा रहा है कि कार में गैस सिलेंडर फटने की वजह से यह धमाका हुआ है। धमाके के वक्त सीआरपीएफ काफिला को काफिले में गाड़ी को एक नुकसान भी पहुंचा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो ये ब्लास्ट हुआ है, कार में ब्लास्ट हुआ है, सीआरपीएफ का काफिला यहां से गुजर रहा था, एक गाड़ी को नुकसान भी पहुंचा है सीआरपीएफ की। कहा जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से यह धमाका हुआ है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यह धमाका हुआ है, जोरदार धमाका हुआ है। ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं जम्मू श्रीनगर हाईवे की। जोरदार धमाका हुआ है,